नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ बॉल ऑफ मास 2 के जी एंड अनदर बॉल ऑफ मास 4 के जी आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग सवाल ये कि आफ्टर द फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टूअर्ड्स अर्थ देयर रिस्पेक्टिव कैनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशो सवाल ये है कि दो गेंदे हमने ड्रॉप किए हैं साठ मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक की एक का मास दो किलो एक का चार किलो है दोनों को साठ की ऊंचाई से हमने गिराया है जब वो थर्टी मीटर की ऊंचाई पे होंगी या आधा रास्ता कवर कर चुकी होंगी तो हमें बताना है कानीटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा सिंपल सवाल तो से ये आपने एक सिक्सटी मीटर की बिल्डिंग से किसी दो बॉल्स को ड्रॉप किया है सो लेट्स कॉल देम एंड बी इसका माँ टू के इसका माँ फोर के जब ये आधे रास्ते यहाँ तक पहुँची हैं दोनों तो 30 मीटर की इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उस केस में हमें बताना है कि यहाँ पे कानीटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा ना यहाँ पे अपने को पता है कानामेटिक से वेलोसिटी अगर आपने क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी दोनों की यहाँ पे होएगी अंडर रूट टू जी एच और इंटरेस्टिंगली इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज इस वेलासिटी का मास से कोई लेना देना नहीं है तो अगर हम कानेटिक एनर्जी की बात करें तो कानटिक एनर्जी ए डिवाइड बाय कॉनेटिक एनर्जी बी देट विल भी इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी बी का स्क्वायर ये ए का मास है ये बी का मास है क्योंकि वेलॉसिटी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी तो कैनेडिक एनर्जी का रेशियो इज़ नथिंग बट देयर मास का रेशियो और मास उनका क्योंकि दो और चार दे रखा है सो दिस विल भी इक्वल टू टू बाय फोर यानी कि वन बाय टू विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी वन बाय टू वुड बी द राइट आंसर